हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट सो दिस वीडियो इज फॉर इग्नू एम ए सोशोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट जिन्होंने एज अ सब्जेक्ट एम पी एस थ्री डेट इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट चूज करा है न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है इस मंथ में हम लोगों के इग्नू uh, uh, के एग्जाम है तो रिस्पेक्टिवली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करेंगे और अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग वीडियोज देखेंगे इस वीडियो को मैं जो और, uh, प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है मैंने सेपरेट सब्जेक्ट वाइज uh, उसमें भी एड कर दूंगी सो दैट यू कैन इजिल फाइंड द वीडियो सो यहां पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल कवर अप द टॉपिक एमपीएस थ्री की कुछ और वीडियोज भी चैनल पे अवेलेबल हैं तो अब तक अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो यू वाइस कैन वॉच दैट दैट विल फॉर श्योर हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन तो यहां पे जो हमारा टॉपिक है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया ये यह यहाँ पे एज वेल एज फॉर दोज स्टूडेंट हुआ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस उनके लिए भी ये चीज बेनिफिशियल रहने वाली है तो हमारा टॉपिक है रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया अब रिलीजन का मतलब हमें पता है और पॉलिटिक्स का मतलब हमें पता है तो यहां पे हमें जो पढ़ना है वो देखना है कि किस तरीके से जो हमारा रिलीजन है जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है अब इंडिया में हम एट प्रेजेंट बात ना करके हमें थोड़ा इसमें प्री इंडिपेंडेंस सिरा में जाना पड़ेगा थोड़ा पहले के समय में जाना पड़ेगा कि कैसे उस समय पे भी ये चीज एग्जिस्ट करती थी और लोगों को इम्पैक्ट करती थी और कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज ने इंडिया में जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है रिलीजन ने पॉलिटिक्स पे अपना इन्फ्लुएंस जो है वो शो किया है तो यहां पर अगर आप देखोगे रिलीजियस पॉलिटिक्स की बात तो बहुत डिटेल में मैंने बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आपको दिया है तो जस्ट प्रॉपर अच्छे से इसको देखिए और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी सो जस्ट आफ्टर द वीडियो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके वीडियो की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो जस्ट सर्च एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड वहां पर ज्वाइन ऑप्शन आ रहा होगा यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अब क्या है यहाँ पे रिलीजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन हिस्ट्री में रिलीजन है क्या रिलीजन कुछ बिलीव्स हैं कुछ विल्यूज uh, बिलीव्स जो हम लोग मान रहे हैं दैट इज स्पेश हेल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल जो उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं जो उस ग्रुप के रिलीजियस ग्रुप के पीपल हैं वो उसको प्रॉपरली फॉलो करके चल रहे हैं अब इंडियन पॉपुलेशन जो है वो क्या है वो पॉलीजेनेटिक है मतलब बहुत सारे मल्टीपल रिलीजन मल्टीपल कास्ट के लोग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड इज एन एस्टोनिशिंग मर्जर ऑफ वेरियस रिलीजन बहुत सारे रिलीजन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पॉलिटिक्स होता क्या है पहले देखो जो वर्ड के बारे में आप जिनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे से देखने के बारे में बात कर रहे हो उनका बेसिक मीनिंग तो आपको क्लियर होना चाहिए तो यही चीज है इंडियन पॉपुलेशन uh, के बारे में बताया फिर बताया पॉलिटिक्स क्या है पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट पार्ट ऑफ एथिक्स विच टू डू विद द रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन और अ स्टेट मतलब एथिकल एथिकल मतलब वॉट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये बेसिक हम देख के चलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन और स्टेट एक नेशन की गवर्नमेंट है कि किस तरीके से वो नेशन वर्क करेगा ये सब पॉलिटिक्स के थ्रू हम लोग देख के चलते हैं उसके बाद हमारे पास यहां पे आता है कि इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है ये इन्फ्लुएंस को आप कैसे शो कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज कैसे इवॉल्व हुई बैकग्राउंड हिस्ट्री और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में इवोल्यूशन वर्ड पूछ लिया जाए ना तो ये नहीं इवोल्यूशन पूछा हम तो बैकग्राउंड और हिस्ट्री पढ़ के आए हैं इवोल्यूशन इज ऑल्सो द सेम थिंग अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो अब रिलीजन को मैंने बोला ये बात आज से नहीं हम लोग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ले सकते हैं आजादी से पहले भी ये चीजें एग्जिस्ट कर रही थी चीजें हो रही थी तो रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स कैन बी टू द कंट्री सिंस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या करते थे जो ब्रिटिशर थे वो एक कम्युनिटी को पिच करते थे अगेंस्ट अदर uh, सुना है हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फूड डालो राज करो नीति एक के अगेंस्ट दूसरे को भड़काओ और अपना बेनिफिट वो दो लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे और आप क्या करोगे आप अपना बेनिफिट उन दोनों में से उन दोनों की लड़ाई से ले लोगे इज द थिंग जो ब्रिटिशर फॉलो करते थे एंड दिस इज दिंग जो उन्होंने किया हिंदू मुस्लिम के साथ और वो बहुत पहले से जब मुस्लिम लीग की डिमांड उन लोगों ने करनी स्टार्ट करी मुस्लिम ने तब से यह चीज हमें देखने को मिली कि उनका जो ब्रिटिशर का प्लान था वो सक्सेसफुल होता दिखाई दिया तो यही चीज पहले हमें एक्सप्लेन uh, करनी है मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्ट डिमांडिंग रिजर्व सीट इन लेचर की हमें लेजिस्लेचर में अपनी प्रॉपर सीट चाहिए दे फील इन माइनॉरिटी एंड लेटर ऑन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हिंदू है ये हमें क्या करेंगे ये हमें डिग्रेड करेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट रन कर सकते हैं क्योंकि हम जो डेमोक्रेसी जो फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं वो तो एक तरीके से हिंदू फ्रीडम होके रह जाएगी ये चीज थी एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट कि वो हमें प्रॉपर जो आ, आपने देखा कि मुस्लिम लीग का प्रॉपर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो इनको अलग से सीट्स यहाँ पे दी गई थी लेकिन ये जो इनकी डिमांड थी ये फुलफिल की गई क्या कब की गई 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया इसमें इनकी डिमांड फुलफिल कर दी गई थी इस काउंसिल एक्ट के बहुत सारे और भी प्रोविजन थे बट दैट इज नॉट द पार्ट जो हमें यहां पे अभी डिस्कस करना है इसके बाद जो चीजें थी वो एक सीक्वेंस में हुई कुछ चीजें जिन्हें हम मेंशन करके वाइज इसी तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे 1915 में क्या हुआ हिंदू नेशनलिस्ट ने एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाई ठीक है मुस्लिम लीग बन गई थी अब उसको काउंटर करने के लिए एक हिंदू का ग्रुप बनाया गया एक हिंदू प्रॉपर प्रो, हिंदू डोमिनेंस ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1923 में जो आपके विनायक दामोदर सावरकर थे जो हिंदू महासभा के फाउंडर थे वी डी सावरकर इन्होंने एक वर्ड लेके आई है हिंदुत्व तो अब आप देख रहे हो हिंदुत्व मतलब क्लियर कट हिंदू को आ, फोकस करके चल रहा है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है वही मुस्लिम लीग जो थी इट ओनली टॉक अबाउट द मुस्लिम और इट इज अ ग्रुप ऑफ ओनली मुस्लिम पीपल अगर हम बात करें तो ये चीज क्या है ये चीज क्लियर कट हिंदू मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन जो था वो शो कर रही थी 1925 में हुआ क्या जो आपके के बी के, के हेगडेवर थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के इन्होंने आरएसएस फाउंड करी ठीक है आरएसएस एक बहुत ही आई डोंट थिंक कि किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आरएसएस इन्होंने उस समय पे फाउंड करी टेंशन जो थी अब इस रिलीजियस दोनों रिलीजियस ग्रुप की हिंदू मुस्लिम की क्लियर कट हमें देखने को मिल रही है और ये टेंशन का रिजल्ट क्या निकला इस टेंशन का रिजल्ट निकला जो हमने देखा पार्टीशन इंडिया का पार्टीशन हुआ इंडिया दो ग्रुप में डिवाइड हुआ मुस्लिम सारी मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन हमें देखने को मिली कि दे आर इन द पाकिस्तान एंड हिंदू मेजोरिटी जो लोग थे वो इंडिया में रहे इंडिया ने ऑल दो अपने को सेक्युलर डिक्लेयर करा था इंडिया ने नहीं कहा था कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू पीपल विल स्टे हेयर एंड बाकी लोग यहाँ नहीं रहेंगे ठीक है लेकिन फिर भी मेजोरिटी में इंडिया में क्या था मेजोरिटी में जो रिलीजन था वो हिंदुइज्म था तो ये चीज थी अब इस पार्टीशन के रिजल्ट में हमें मास माइग्रेशन काफी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए एंड बहुत सारे लोगों की जान गई आप चाहो तो थोड़ा सा इलेबरेट कर सकते हो मैंने मेन मेन वर्ड लिखे हैं यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं लिखा है बस मेन वर्ड लिखे हैं आप इसको पैराग्राफ बना के पार्टीशन में अलग से हेडिंग डाल के लिख सकते हो बिकॉज आपका ट्वेंटी मार्क्स का आपका आंसर राइटिंग आनी है इनफ कंटेंट मैंने यहाँ पे खुद से लिखा हुआ है अदरवाइज में पॉइंटर्स लिख के आपको बोलती कि आप लोग खुद से इसे एक्सप्लेन करोगे बट बहुत कुछ मैंने आपको यहाँ पे रिटर्न में प्रोवाइड करा है 1951 में हुआ क्या आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई भारतीय जनसंघ आरएसएस ने एक पॉलिटिकल आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में एक पार्टी फाउंड की गई भारतीय जनसंघ और 1980 में इसका नाम जो बीजेएस का नाम था इसको आगे सक्सीड कर लिया बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी आज रूलिंग पोजिशन पे चल रही है ठीक है अब अयोध्या इशू ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद रिस्पेक्ट बाबरी मस्जिद बाबरी मॉस्क्यू कांड अयोध्या राम uh, टेम्पल ये सब ये आप अवेयर हो देखो अब इसी पे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट करके कुछ लोग कुछ बोलेंगे कुछ लोग कुछ बोलेंगे आपने से बहुत से लोग किसी चीज को फेवर करेंगे बहुत से किसी चीज को तो लेट्स नॉट गेट इन द डिबेट ठीक है लेट्स नॉट गेट इन द इन द डिबेट राइट नाउ जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन है जस्ट प्रेजेंट है ठीक है इट इज अ डिबेट जो आप देख रहे हो कब से चल रहा है अभी तक भी चल रहा था अभी रूल आया और आगे भी इसके मैटर और इसके इश्यू जो है वो चल, चलते रहेंगे ठीक है ये खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम ये वाला इशू उठा के रेस करके कम्युनलिज्म जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द थिंग जो ये वो मुद्दे हैं जो सिर्फ एक तरीके से मैं बोलूं तो दंगे भड़काने के लिए कम्यूनलिज्म चीजों को प्रमोट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कि कुछ नहीं है कुछ नया नहीं, नहीं आ रहा है तो चलिए लेट्स रेज दिस ठीक है तो यहाँ पे लेट्स नॉट गेटिंग टू दिस सीधे मेन मेन बात करते हैं कि बीजेपी के एक रूलर जो लीडर थे उन्होंने क्या बोला कि मुस्लिम जो रूलर थे बाबर उन्होंने जो राम जी का टेम्पल था वो क्या करा है वो डिमोलिश करा और यहाँ पे बाबरी मॉस्क्यू बनाया है सिक्सटीन सेंचुरी में तो सितंबर 1990 में बीजेपी के एक लीडर थे लालकृष्ण अडवाणी जी उन्होंने बोला कि वो रथ यात्रा निकालेंगे ठीक है किस चीज के रिगार्डिंग होगी रथ यात्रा राम जी के टेम्पल के रिगार्डिंग थी अब इस चीज से यहां पे पॉलिटिकल इश्यू और ज्यादा रेज हो गए थे और यहां पे बहुत ज्यादा कम्युनल चीजें हमें देखने को मिलने लगी थी अब दिसंबर 1992 में क्या हुआ यहाँ पे विश्व हिंदू जो परिषद थी जिसे आर की ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था माना जाता है कि इस चीज इस मैटर की वजह से इन्होंने क्या करा इन्होंने जो कम्युनल वॉयलेंस था उसको और ज्यादा इनकरेज करा एंड आफ्टर दिस मैटर जो था बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी के फॉर्म में इससे पहले इतना कोई एग्जिस्टेंस नहीं था लेकिन आफ्टर दिस यहाँ पे एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में हमें देखने को मिली ठीक है और यहां पे वहां पे सीट मेजोरिटी में सीट लेके जीती लेकिन वो क्या थी कोलिशन गवर्नमेंट थी तो वो गवर्नमेंट बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं वो फिफ्टीन डेज तक ही गवर्नमेंट रही एंड देन नाइनटीन में अगेन मेजोरिटी से वो पावर में आई देन टू तक रूल करा और प्रेजेंटली भी क्या कर रही है बीजेपी जो है इट इज अ रूलिंग पार्टी इसके अलावा 1984 में हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का नहीं बट यहाँ पे जो इंदिरा गांधी का एस्टिनेशन हुआ था सिख बॉडीगार्ड्स ने मेंशन किया था मैंने बहुत यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लिखी है आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो डिपेंड अपॉन द मार्क्स की कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया है फिर गुजरात के जो राइट है वो मैंशन कर सकते हो सिटीजनशिप अमेडमेंट एक्ट जो थोड़ा रिसेंट एग्जाम्पल है इससे भी बहुत ज्यादा हमें कम्यूनल राइट देखने को मिले हैं ये चीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हमें जरूर जिक्र करना है पूरा एक्ट एक्सप्लेन नहीं करना है मैटर क्या था चीजें क्या थी ये चीज पूरी डिटेल में नहीं लिखनी है बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं है बट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है आपको इसकी हेडिंग डालनी है और इसकी वजह से जो कम्युनल राइट्स हुए उतना हमें बस मेंशन करना है फिर अपने आंसर का क्लोजर करने के लिए हमें कंक्लूजन एक बहुत प्यारा सा एक कंक्लूजन देना होता है अभी आप क्या करते हो आंसर में अपनी बातें बता के बस एक कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट करके हमने छोड़ दिया है तो कंक्लूड करने के लिए हमें क्या लिखना है कि फॉरेन कंट्री में वोट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे पॉलिसीज की बात होती है मुद्दों की बात होती है अचीवमेंट्स की बात होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया अगर हम इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं इनसे रिलेटेड कोई हम अगर मैटर मुद्दा रेस करेंगे तो यहां का सारा वोट बैंक हमारे पास आ जाएगा क्योंकि अगर आप मेजोरिटी को टारगेट करने की बात करोगे तो मेजोरिटी तो वहां पर वोट्स डिवाइड हो जाते हैं वो अपनी कास्ट के लोगों को वोट देंगे कुछ अपने रिलीजन के बेसिस पे देंगे तो बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे मेजोरिटी के वोट तो डिवाइड हो जाते हैं इसलिए माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है तो अगर हम बोलें कि जो आपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रयाम्बल में क्लियर कट बोला है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो ये बात एक तरीके का मिथ है क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये शो कर रहे हैं इंडिया इज नॉट अ प्रॉपर सेक्युलर कंट्री ठीक है अब ये चीज हुई अब कैसे इसको ठीक कर सकते हो यहां तक तो हमने छोड़ दिया आंसर आप चाहो तो इसमें लाइन एड कर सकते हो कि वी नीड टू स्ट्रेंथन अप द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेजिस्लेचर सिस्टम हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन स्ट्रांग करने है हमें अपनी लेजिस्लेचर स्ट्रांग करनी है वी नीड टू अवेयर द पीपल वी नीड वी वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन हमें ये सारे स्टेप लेने पड़ेंगे एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए जिससे लोग अवेयर हों सो दैट ये जो कम्यूनल uh, जो राइट्स की प्रॉब्लम दिखती है और ये जो कम्यूनल डिस हारमनी दिखती है वो कम्यूनल हारमनी में चेंज हो सके ये एंड करने के बाद ये कंप्लीट आंसर हम लोगों का बन जाएगा ठीक है तो ये आप एम पी एस थ्री इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट भी यूज़ कर सकते हो प्लस अगर मैं बात करूँ यूपीएससी में तो जी एस टू और जी एस टू की बात हो सकती है इसको आप सोशल इशू वाले टॉपिक में यूज कर सकते हो सोशल इशू में काम आएगा ये प्लस किसी का अगर सोशलॉजी ऑप्शनल है तो इस तरीके का कोई सोशल इशू आता है तो आप उसमें इस जो आंसर के कुछ कंटेंट है और जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो आप लोग यूज कर सकते हो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इसके अलावा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं मैं कोशिश करूंगी इशू वाले टॉपिक पे पहले वीडियो बना दूं और बाकी सेपरेट प्लेलिस्ट में ये वीडियो मैं ऐड कर दूंगी और जस्ट आफ्टर द वीडियो यू विल गेट द नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल